वंदे देव उमापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूणां पतिं वंदे सूर्यशशांकवाणिनयनं वंदे मकोन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयननं वा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्समस्व जय जय कर्णाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय कर्णाब्धे श्री महादेव शंभो नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। ओम चंद्रोद्भासित शेखरे समहरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठ कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थं कुरुचित्त वृत्तिमचलाम् अन्येस्तु किं कर्मभि। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम यदि यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्तपरवेशाध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः। ओम नाना सुगंधनि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। सावन के प्रथम सोमवारी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस सावन के प्रथम सोमवार के दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव का ध्यान अवश्य करें। शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र जो है ओम नमः शिवाय, इस बीज मंत्र से आरंभ हुआ है। तो प्रत्येक व्यक्ति को शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र का पाठ तो अवश्य करना ही चाहिए, तथा शिव के जो ध्यान मंत्र हैं सभी को याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पुनः एक बार ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च ओम नमः शिवाय च
शिवतराय च ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वसुमृगराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिमगणैर्वाग्यकृतं वशायम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभोभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ओम शाम सदा शिवाय नमः। भगवान शिव आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें, इस कामना के साथ हम सभी प्रतिदिन एक दूसरे के लिए यदि प्रार्थना करें तो निस्संदेह हमारा देश निश्चित रूप से समृद्ध देशों में सम्मिलित हो जाएगा। अतः प्रत्येक की मंगल कामना हेतु प्रत्येक भारतीय को भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, और खासकर सावन में तो और भी विशेष महत्व होता है। तो आशा करते हैं आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ 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 लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही साथ और भी मैं आप सबके लिए शिव के जो स्तोत्र हैं, सुक्तियां हैं, ये सब आप सबके लिए लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि किस प्रकार से करें शिव की स्तुति, किन श्लोकों से करें शिव की स्तुति। तो अनेकानेक वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर अवश्य करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और यदि आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार के बहुत से उत्तम उत्तम वीडियो लाता रहता हूं, जिससे कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और समाज में सकारात्मकता का संचार हो सके, समाज हमारा सकारात्मकता के साथ आगे की ओर अग्रसर हो, यही हमारी मनोकामना है। सभी स्वस्थ रहें, सभी कुशल रहें, मंगल रहें। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी को इस सावन पर्व की, श्रावणी पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, धन्यवाद। ओ शांति शांति।